Hi, this is Akshay Kumar. Hi, this is Ritesh Deshmukh. And we are missing Abhishek Bachchan at the moment. But you keep on watching Bollywood Hangama. Hustle 3 is coming up. You know, we just keep on, people look back at a lot of things that have happened in the past. When you look back at Houseful and Houseful 2, Houseful 2 especially, many people look back at it like very fondly ki yaar bachchon ko bahut pasand aayi thi, and it's something which is like really entertaining, and somewhere people remember it. Do you feel that with time certain films they start carrying more weightage to themselves, because aaj ke time pe I think family audience is like a very very key audience right now? No, of course, and it's a correct question. Kya hota hai ki we made Houseful not thinking ki iska part 2 ya part 3 hoga. Ji ji. To jab Houseful ek successful film bani, uske baad socha gaya ki उसका जो खास एलिमेंट्स थे कि सभी घर में आते हैं, उसके तरह से कन्फ्यूजन था, उसी को लेकर एक और फिल्म बन सकती है, वो हाउसफुल 2 बनी. और उसमें खास करके ध्यान दिया गया था व्हेन साजिद खान वाज देयर कि ये चीज़ें बच्चों को पसंद आएंगी. एंड देयर लॉट ऑफ किड्स हु स्टिल कम, यू नो, वी लव हाउसफुल 2, वी आर ह्यूज हाउसफुल फ्रेंचाइजी फैंस, दे कॉल देमसेल्व्स, एंड वी आर ग्लैड दे डू सो. तो जब हाउसफुल 3 भी बनी तो वो सारे एलिमेंट्स जिसके वजह से हाउसफुल पसंद आती है उससे हम दूर नहीं हटे. सो वी हैव केप्ट इट रिमेंड वेरी ट्रू टू द कोर, बट उसमें एक नयापन क्या हो सकता है? तो सारे सिचुएशन, जिस तरह से हम लोग घर के अंदर आते हैं, हमारी जो खुद की प्रॉब्लम्स है और उससे क्या कन्फ्यूजन उभरती है, सो देयर आर सिचुएशंस विच विल बी एंजॉयड बाय आई थिंक एवरी वन, राइट फ्रॉम किड्स टू योर ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हु विल एंजॉय दिस. In fact, a friend of mine told me that when we are watching Tang Uthake, so in fact we are having this feeling that it has a bit of an animal instinct somewhere to it, related to an animal somewhere. So is it correct? Which animal? I think a dog or something, maybe. Kutta? Yeah. So I don't know. Nahi, ab naachte ho to Tang Uthaoge na? नाचते वक्त एक पर्टिकुलर एक एंगल पे इनफैक्ट टांग उठाना एक जो है जनरली, मतलब आप जो कहते हो भांगड़ा जो ऐसे करता है आदमी, तो वो इज बेसिकली, आर यू ट्राइंग टू से कि भांगड़ा इज, नहीं नहीं नहीं, नो, दैट कैन गो वेरी रॉन्ग फॉर यू. यू आर डूइंग इट लाइक ऑन अ राइट एंगल, इन अ वे, इन अ राइट एंगल. टांग उठा के इट्स बेसिकली इट्स अ डांस मूवमेंट, राइट? It's a dance movement. So ये मेरा सवाल है, मेरे एक दोस्त का सवाल. नहीं नहीं, ये तो आपका बहुत अच्छा गया, आप ही का सवाल होता है वो. आप भी आपका आपके बेसिकली दो स्प्लिट पर्सनालिटी है, ये आप ही का एक फिगर जो बाहर निकलता है, क्या मैं ये पूछूं, क्या मैं ये टेढ़ा हो जाऊं, तो देखना पड़ता है. देखना अपने दोस्तों का नाम, खाना का अच्छा नाम लेना. क्या है दोस्त का नाम? रमेश. ओहो, कमाल का नाम है रमेश. सुरेश ने क्या पूछा था? सुरेश एक्चुअली मैं दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, दोस्ती हुई नहीं है. जैसी होगी सवाल भी मैं डेफिनेटली मिलेगा. और मनीषा से तो हुई होगी. मनीषा कुराला? नहीं. ओके, अब आप क्या किसका मन कर रहे हैं आपके? आप जो कहें, मैं तो मनीषा का है, मैं तैयार हूँ उसके. मैंने रमेश देव तो नहीं बोला, तो मैं उसका सरनेम क्यों लूंगा मनीषा का? I think there was some producer by the name. He was an actor. He was an actor. Okay. Actor. Senior actor. Producer. Very 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 senior actor. It doesn't have any animal instinct to it. It is purely. No, it doesn't have. It's a purely. I think Ganesh Acharya can answer this question. जी. That you have felt that way. So because he's we followed blindly. क्योंकि ये step पे ये करो, आप हमको तो ऐसा लगा नहीं. नाचेंगे सारी सारी रात, टांग उठा के. क्या वो एक step अगर आप बोलो कि पैर ऊपर लग के ऐसे कुत्ते की तरह लग रहा है, तो ऐसा intention नहीं था. तो नहीं है, मतलब नहीं, it's a great song. आप do it anyway. अच्छा, बहुत loyal जानवर होता है. नहीं नहीं, वो but loyal जानवर तो होता है, लेकिन जिस मुकाम पे वो पैर उठाता है वो गलत आप बोल रहे हो. वो लॉयल तो है, और जिस मुकाम पे और दूसरा ये है कि एनिमल उठा रहा है, एनिमल जो होता है. जी जी. ऐसे तो हम फाइट्स में भी कई बार यूज करते हैं. बिल्कुल. लेकिन उस वक्त आप बात नहीं करते हो, क्योंकि दैट डजंट इंटरेस्ट यू. नहीं नहीं ऐसा. बिकॉज सुरेश को जो इंटरेस्ट आता है वो इसमें आता है, शेर की दांत जैसे. रमेश जो भी है, रमेश सुरेश तो आपके दोस्त हैं, मुझे लग रहा है मेरे पे तो दोस्ती हुई नहीं. ओके,